मैं हम सूखे हैं और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज बिग बॉस जानना चाहते हैं राइट। वापस से शुरू हो चुका है बिग बॉस सीजन 12 और कहीं ना कहीं कुछ नए ट्विस्ट है सीजन में, वो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। नए रूल्स है, रेगुलेशंस है, जो आपको जानना बेहद जरूरी है। ये शो को अगर आपने देखा नहीं तो ये चीजें एटलीस्ट जान लीजिए, या देखा है फिर भी जान लीजिए, आपके मन से शायद निकल गया होगा। कुछ नई चीजें इस शो में हुई वो बताऊंगा और साथ ही ये बताऊंगा कि क्या नए रूल्स एंड रेगुलेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखा गया कि यार 4 या 6 आउटहाउस में कंटेस्टेंट रखे गए थे शो के एक दिन पहले से, और ऑडियंस को कहा गया था आप इनको वोट करिए, उसके बाद में जो टॉप 2 रहेगा यानी जिसको ज्यादा वोट मिलेगा वो घर के अंदर जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक उसके बाद बाकी जो कंटेस्टेंट थी, चाहे मित्तल या स्वाति या दिग्दी, वो दोनों एलिमेंट हो गए, और कृति और एक और लड़की थी जो कॉमनर्स में थी, वो दो एंटर हुए घर में। एक तो ये चीज था, पहले दिन ही एलिमिनेशन, ये बहुत शॉकिंग था, वो भी दो एलिमिनेशन, ये एक बहुत बड़ा ट्विस्ट था। और इसके अलावा सबसे एक शॉकिंग चीज यहाँ पर यह है कि इस बार विचित्र जोड़ी का कंसेप्ट है राइट। और यहाँ पर बिग बॉस ने साफ साफ कहा है, जब सब घर में सब आ गए थे, सत्ता कंडीशन को साफ साफ कहा है कि यहाँ पर जोड़ी वर्सेस सिंगल रहेगा, यानी कि कुछ सिंगल ज्वाइन हुए, जैसे करणवीर हो गए हैं, जैसे कि नेहा फेंसे हो गई, ऐसे कुछ लोग हैं जो सिंगल ऐसे एंटर मारे घर में, है ना, दीपिका कर हो गई है, तो कुछ सिंगल एंट्री मारे, और कुछ लोगों ने जोड़ी, चाहे वो बहनों की जोड़ी हो, चाहे दोस्तों की जोड़ी हो, वकील पुलिस की जोड़ी हो, या चाहे एक जो सिंगल और है ना शिष्या की जोड़ी हो, तो इस तरह से जोड़ियां भी है। तो सिंगल यानी कि जो सिंगल बंदा एंट्री लिया है विदाउट जोड़ी, वो फाइट करेगा किसी जोड़ी से, तो उन दोनों का फाइट होने वाला है। और यहां पर एक और चीज आपको बता दूं, बिग बॉस ने साफ कहा है अगर कोई एक बंदा किसी जोड़ी का नॉमिनेट होता है तो यानी कि इसका मतलब यह है कि वो पूरी जोड़ी ही नॉमिनेट हुई है, यानी कि एलिमिनेशन भी होगा तो जोड़ी का होगा, एक का नहीं होगा, ऐसी चीजें सामने आ रही है। और यहाँ पे बिग बॉस ने कहा है कि जो मत होगा यानी कि जो ओपिनियन होगी अगर कोई जोड़ी में होगा तो उनकी ओपिनियन एक होनी होगी, उनकी एक ही ओपिनियन होगी, और दोनों लोग और जो जोड़ी में है वो सुख हो या दुख हो या जैसा भी दिन हो, वो दोनों जो जोड़ी में है वो कभी अपने दूसरे साथी का साथ नहीं छोड़ेंगे। ये बिग बॉस ने सीधा सीधा हिदायत दी है, यानी कि सिंगल्स को तो ऑफकोर्स भारी पड़ने ही वाला है इस घर में जोड़ियों के अपोजिट में खेलना, लेकिन यहाँ पे जोड़ियों को उससे और भारी पड़ने वाला है, क्योंकि उन्हें आपस में टिके रहने के लिए बहुत ही संघर्ष करना पड़ेगा, और आपस में एक दूसरे के साथ चलने के लिए एक सुख दुख में बहुत ज्यादा दमखम दिखाना पड़ेगा। यानी कि बहुत ही कमाल का कंसेप्ट रखा है बिग बॉस ने, अभी देखना है कि कमाली कंसेप्ट में क्या क्या इंटरेस्टिंग चीजें आती है, क्योंकि विचित्र जोड़ी वाला एलिमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा है। और मेरे ख्याल से ये कुछ नई अपडेट्स थी जो मुझे बिग बॉस के बारे में बताई थी, बाकी आपने देख लिया घर एकदम बीच थीम का घर बना है जो बहुत ही क्लासी और कूल लग रहा है, और देखते हैं अब क्लासिक कूल तो हो गया, आप देखते किस तरह से बिग बॉस में घमासान मचता है, विदाउट घमासान बिग बॉस का मजा नहीं है। सुशांत आए है, वो भी एक अच्छे खासे कंटेस्टेंट के तौर पर आए है, दीपिका भी एक अच्छे खासे कंटेस्टेंट है, नया फ्रेंडशिप से मुझे बहुत उम्मीद है, ऐसे कई से कंटेस्टेंट आए जो इस बार आई थिंक कुछ धमाका कर सकते हैं। करणवीर बोला थोड़े से मुझे डरे लगे, देखते हैं वो क्या कमाल दिखाते हैं, और फार्मर की और वो एक बिजनेसमैन की जो जोड़ी आई उनसे भी मुझे काफी उम्मीद है, देखते हैं क्या नया होता है, क्या धमाल होता है। आप कितने एक्साइटेड है ये जानकर कि बिग बॉस शुरू हो चुका है और ये कुछ नए रूल्स नई चीजें जो हुई है बिग बॉस में, ये जानकर जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बचिए फिर कितना ही।